मंजली और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सफीपुर फतेहपुर चौरासी में उड़ंगपुरवा इब्राहिमाबाद हमजापुर नीबीगाड़ा के लोगों का गांव से पलायन जारी है। ग्रामीण गृह से लेकर सुरक्षित क्षेत्र मिर्जापुर नियामतपुर गहोली सघन राजपूतान के सड़क किनारे व बागों में तिरपाल तान कर रह रहे हैं। इसी तरह फतेहपुर चौरासी में बाढ़ के चलते मक्का खेड़ा सरहा नया बंगला हिंदूपुर अवस्थी खेड़ा तोड़ना सहित कई गांव के ग्रामीण पलायन कर गांव के पास काली मिट्टी शिवराज मार्ग स्थित हिंदूपुर के पास बनी पुलिया पर पुलिस प्रशासन मौजूद बड़ी बहनों का आवागमन बंद कर दिया गया। क्षतिग्रस्त पुलिया का प्रशासन द्वारा मरम्मत कराई जा रही है। आरपीएस समाचार प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री आज शुक्रवार को बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्या सुनी और हर संभव प्रयासों से मदद दिलवाने का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। इस समय हम जनपद उन्नाव के और कानपुर के मध्य हिंदूपुर गाँव के पास खड़े हैं, जहाँ पर बाढ़ का पानी भयंकर बह रहा है। जो रोड आप देख रहे हैं ये शिवराजपुर काली मिट्टी मार्ग है। इस मार्ग के दोनों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप जितनी दूरी तक आपकी नज़र पहुँच सकती है आप देख सकते हैं, सिर्फ पानी के सिवा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर 2017 में बाढ़ के चलते कटान हो गया था, जिस पर ये पुलिया का निर्माण हुआ था अभी करीब 2 साल पहले, जो इस समय पूरी तरह से सही काम न करने की वजह से पुनः इसकी मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। जो आप देख रहे हैं गांव, ये हिंदूपुर गांव है। इस गांव में इसके पहले कई बार बाढ़ आने से इस गांव की स्थिति खराब हो चुकी है। गांव के मकान टूटकर गिर चुके हैं। इस बार भी इसी तरह की स्थिति लग रही है कि इस गांव की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। पानी का वेग इतना ज़्यादा है कि यदि कोई व्यक्ति इस बहाव में पड़ जाए तो तुरंत का तुरंत बह जाएगा। प्रशासन के द्वारा इस पुलिया का पूरा मरम्मतीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस गांव के बाहर पुलिस प्रशासन मौजूद है, जिससे इस पुल से लोगों को बड़े वाहन नहीं निकलने दिए जा रहे हैं। आप मेरे सामने भी देख रहे होंगे, जल ही जल नज़र आ रहा होगा और मेरे पीछे भी जल ही जल नज़र आ रहा हो। यहाँ पर चारों तरफ जल ही जल नज़र आ रहा है। यहाँ के गांवी एरिया तक ये बाढ़ का जल पहुँच चुका है और भी घटने का कोई आश्वासन प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया है। हो सकता है कि अभी और भी इससे ज़्यादा बाढ़ की स्थिति खराब हो जाए। आप देख सकते हैं कुछ लोग इसका बाढ़ का आनंद ले रहे हैं, ऊंचाई पर बैठ करके। कुछ लोग चबूतरे पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं।
जो इस बाढ़ के जल का आनंद ले रहे हैं बैठ करके। आप देख सकते हैं जहां तक भी आपकी नज़र पहुंच रही होगी वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये बाढ़ का पानी कितनी स्पीड में बह रहा है। आवागमन बड़े वाहनों का बाधित होने के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर झाड़ियाँ डाली गई हुई हैं, कांटे डाले गए हैं जिसकी वजह से लोग कम से कम लोग निकलें और वाहन बड़े वाहनों का आवागमन बाधित रहे। आप देख सकते हैं गांवों के अंदर जो है पूरी तरह से पानी पहुंच चुका है। इधर देखिए कि फसलें भी काफी बर्बाद हो चुकी हैं पानी की वजह से। ये बताइए दादा, क्या पानी ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, कैसा है, क्या कुछ बता पाएंगे? पानी ज्यादा बढ़ नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा ज्यादा। उत्तराखंड जो है पानी समासम है, मतलब ये कब से समासम लग रहा है? सुबह से पानी जो है बढ़ना बंद हो चुका है, मतलब जैसा कल से था रास्ते वैसा ही उतना ही पानी है। ये बताइए दादा, आप किस गाँव के रहने वाले? इसी गाँव के रहने वाले? अवस्थिन केड़ा। तो आपके गाँव में पानी पहुँचा या नहीं पहुँचा है? पहुँच के बाद क्या फसलों का क्या हाल चाल है इस समय? क्या क्या फसलें में जैसे गया है? धान है, मक्का है, चली गई। अच्छा अच्छा है। प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई मदद मिल रही नहीं मिल रही है? प्रशासन द्वारा अभी तक किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशासन मौके पर मौजूद है जिससे कि यहाँ पर कोई बड़े वाहन का आवागमन ना हो सके या किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो तुरंत एक्शन लिया जाए, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फसलों में किस तरह से पानी भरा हुआ है और फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। कुछ फसलें तो नष्ट हो चुकी हैं, कुछ अभी भी जीवित हैं। अगर इसी तरह के हालात रहे हो सकता है कि फसलें आगे भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा खेतों में पानी भरा हुआ है, फसलें पूरी तरह से बर्बाद होती नज़र आ रही हैं। ग्रामीण यहाँ पर जो है गांव के बाहर रोड पर रहने की व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि बाढ़ का पानी घरों में पहुंच चुका है। क्यों भाई, किस गांव में रहते हो? तो वहाँ आपके गांव में पानी पहुंच चुका है? आगे बढ़ के आओ, जरा आगे बढ़ के आओ। क्या नाम तुम्हारा? इधर खड़े हो। तो आपके गांव में पानी पहुंच गया क्या? तो यहाँ पर आप परिवार सहित रह रहे हैं? अच्छा, पशु रखे हुए हैं। तो यहाँ पर और जो लोग दिख रहे हैं ये किस गांव के, क्या बता पाएंगे हम? इस गांव के, इस गांव में जो है पूरे गांव में पानी भर गया है? पूरे गांव में नहीं, किनारे किनारे। इस विद्यालय में पानी भरा है नहीं भरा है?
विद्यालय में नहीं भरा है। यहाँ पर लगभग कितने लोग और लोग भी आ चुके हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फसलों में किस तरह से पानी भरा हुआ है। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, ये बताइए ये कौन सी जगह है जहाँ पर आप लोग खड़े हैं? ये अलीपुर बिचौली मक्का खेड़ा के बीच में है। तो यहाँ पर ये पानी की स्थिति क्या है, जो बाढ़ की स्थिति आई हुई है? यहाँ पानी घरों में घुस चुका है, जानवर लोग लेकर के बाहर निकल रहे हैं और बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई मदद आप लोगों को मिल पा रही, नहीं मिल पा रही? कोई मदद नहीं मिली है। कोई मदद नहीं मिल पा रही प्रशासन से? कोई मदद नहीं मिली अभी। अच्छा, फसल जो है वो भी सब बर्बाद हो गई है। तो आप लोग सभी एक ही गांव के हैं या अलग अलग गांव से हैं? हम अलग अलग गांव से हैं, मक्का खेड़े में रहते हैं, खानपुर बिचौली अलीपुर में रहते हैं। अच्छा अच्छा, ये कौन सा एरिया जहाँ ये पानी? ये अलीपुर है। ये अलीपुर है। तो ये पानी बढ़ रहा है या अभी? पानी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब लगातार पानी बढ़ता हुआ। तो आप लोग अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या? महेंद्र सिंह है। कहाँ रहते हैं? मक्का खेड़ा। आपका क्या नाम? रोहित सिंह, अलीपुर रहते हैं। दादा आपका शुभ नाम क्या है? रहीस, अलीपुर। बेटा आपका नाम क्या है? सब मतलब यही आसपास के लोग। तो ये आप लोगों को क्या सोचा कि जो पानी भर जाएगा तो इसके रहने की या पशुओं को रखने की क्या व्यवस्था करेंगे? छत पे आए सब लोग, बाहर निकल रहे हैं, कोई काली मिट्टी लेकर के जानवर जा रहा है, कोई कहीं जाएगा। तो प्रशासन से क्या मदद आप लोगों को मिलनी चाहिए? वैसे अब फसलें सब बर्बाद हो गई है, प्रशासन जो कुछ मदद दे पाए वो दे क्या देगा, अभी कोई मदद दी नहीं है। देख सकते हैं ये तोरना गाँव है, इस गाँव में जो बंगले पड़े हुए हैं, झोपड़ियाँ जो है, यहाँ पर पानी भर चुका है। झोपड़ी के रहने वाले लोगों के लिए भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग झोपड़ी डाल करके सड़क पर भी रह रहे हैं और कुछ लोगों की जो पहले से फूस की झोपड़ियाँ थी वो उनमें पानी भर गया है। इस समय हम तोरना गांव के पास खड़े हैं, यहाँ पर हम दादा से जानते हैं किस तरह के हालात हैं। दादा शुभ नाम क्या है आपका? हमारा नंदीलाल। थोड़ा और पीछे हट जाओ तुम। नंदीलाल जी, किस गांव में रहते हूँ? तोरना में। तो ये बाढ़ का पानी यहाँ कब से तेज हो चुका है आपके गांव में? ये हो गया करीब 8-10 दिन से। 10 दिन से? हाँ। तो यहाँ पर जो ये झोपड़ी लगा के कितने लोग लगभग रह रहे हैं? यहाँ पर रह रहे 20 लोग। अच्छा, ये सभी इसी गांव के रहने वाले हैं या और किसी गांव के? इसी गांव के। प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई मदद आप लोगों को मिल रही, नहीं मिल पा रही? नहीं मिल पा रही। खेतों में क्या फसल का क्या हाल है? फसल सब चली गई। किस चीज की फसल आप लोगों ने बोई थी? तिल्ली थी, बाजरा था, जंडी थे, मकाई थे, धान? धान थे। तो धान तो अभी नहीं गए होंगे? धान तो ठीक डूब चुके हैं, नीचे थे, डूब चुके हैं। मकाई और बाजरा जो और चीजें जो है वो सब खराब हो चुकी हैं। हाँ, प्रशासन द्वारा भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही? नहीं नहीं। क्या चाहते हैं प्रशासन से, किस तरह की मदद आप लोगों की हो पाए? क्या हम बताएं, किस तरह की मदद करे प्रशासन आपकी, आप बताएं। खाने पीने वाले की व्यवस्था और यही होना चाहिए, और पशुओं को चारे वारे की व्यवस्था है। हाँ हाँ। इस समय हम कल्याणी नदी पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर पूरे वर्ष भर कहीं भी पानी नजर नहीं आता है, इस समय बाढ़ की स्थिति नजर आ रही है। भैया आप लोग बताइए कौन सी जगह है, यहाँ पर पानी कब से आना शुरू हुआ है? अच्छा, सकतपुर। पानी यहाँ पर जो ये दिखाई पड़ रहा है, ये आज ही गिरना शुरू हुआ है या अभी गिरना शुरू हुआ है? मतलब घंटा पहले, एक घंटे पहले से गिरना शुरू हुआ है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।